खबर नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से। कांग्रेस कमेटी की समीक्षा बैठक आयोजित। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन प्रभारी संजय कपूर और तेंदुखेड़ा विधायक संजय शर्मा रहे मौजूद। प्रभार के जिले नर्मदापुरम के अंतर्गत सिवनी मालवा माखन नगर सुहागपुर बनखेड़ी और पिपरिया में मध्य प्रदेश कांग्रेस के संगठन प्रभारी माननीय संजय कपूर के साथ तेंदुखेड़ा विधायक संजय शर्मा ने ब्लॉक मंडलम सेक्टर और विभिन्न प्रकोष्ठों की समीक्षा बैठक ली, जहाँ मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन प्रभारी संजय कपूर और तेंदुखेड़ा विधायक संजय शर्मा ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस अवसर पर बैठक में समस्त प्रकोष्ठों के जिला ब्लॉक मंडलम सेक्टर पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में संपन्न हुआ। लोग यहाँ मौजूद हैं जो बूथ पे हमारी लड़ाई लड़ते हैं, मंडल के सेक्टर के जुझारू साथी हैं, उनको सबको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सब लोग ईमानदारी से कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं तो सुहागपुर की सीटों को हराने वाला नहीं है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अब आपको ये तय करना है कि मध्य प्रदेश में आपको अपनी सरकार बनाना है या नहीं बनाना है। ये फैसला आप लोगों ने करना है। आपका भविष्य सुहागपुर की सीट करेगी, क्योंकि ये चुनाव दलों या भरों का चुनाव है, आपके भविष्य का चुनाव है। आपको निर्णय करना है कि कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है, बनाना है नहीं बनाना है, बनाना है ना कमलनाथ। देश के उन जिलों में होशंगाबाद है जहां से एक भी प्रतिनिधि 20 साल से यहां से चुन के नहीं पहुंचा है। बड़ा दुर्भाग्य भोपाल से लगा है और बड़े बड़े नेता यहां से नेतृत्व करते हैं, इसलिए जीतना बहुत आवश्यक है। पिपरिया से लेके माननीय कमलनाथ जी की चिंता जायज है। छिंदवाड़ा से लगा क्षेत्र है, भोपाल से लगा क्षेत्र है, और इतने पीछे हम क्यों हैं? कांग्रेस कमजोर नहीं है, कांग्रेस की आपस की लड़ाई कमजोर करती है। तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक यहाँ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक गिरोह है, पार्टी नहीं है। कांग्रेस एक पार्टी, एक बड़ा दल है। वहाँ जो लोग बैठे हैं केवल व्यवसाय सोच के साथ अपने पद की प्राप्ति कर लेते हैं, और हमारे लोग आपस में कहीं ना कहीं बिखरे रहते हैं, इसलिए उसका फायदा उनको मिलता है। हम आप सबसे दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि सब एक होकर इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाने में होशंगाबाद जिले का प्रतिनिधित्व शामिल कराएं। माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे ये दिख रहा है, जनता का रुझान कांग्रेस के पक्ष में ये भी दिख रहा है। कर्नाटक में सरकार बनी, भारी बहुमत से बनी, प्रदेश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम मुख्यमंत्री और जितनी इनकी। खबर भारतवर्ष के लिए नर्मदापुरम से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।